आइए बच्चों, अब हम अगला पार्ट लेते हैं। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं पर हंसा, एज ही वेंट अवे, जब वह गया। एंड द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ है, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड, समझ गया, वेरी वेल, अच्छी तरह से, दैट कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, उसने अपना अंतिम वर्ड नहीं बोला था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं हुआ था। बिफोर दे हर्ड, इससे पहले उन्होंने सुना, द साउंड ऑफ कैरिज, एक वाहन की आवाज़, व्हील्स, पहियों की, आउटसाइड द फोर्ज, फोर्ज के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम, इस बार, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, यह आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था, अपरेंटली, स्पष्ट रूप से, होपिंग, उम्मीद करते हुए, दैट सी वुड हैव बेटर पावर्स, उसके अंदर ज़्यादा पावर होगी, ऑफ परसुएजन, मनाने की, देन ही हिमसेल्फ, जितनी उसमें स्वयं थी। सी एंटर्ड, वह अंदर आई, फॉलोड बाई ए वैलेट, उसके साथ एक नौकर था, कैरिंग ऑन, लिए हिज आर्म, अपने आर्म में, ए बिग फर कोट, एक बड़ा कोट। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वह सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड, लगती थी, मॉडेस्ट, बड़ी कोमल लगती थी, एंड क्वाइट शाई, और थोड़ी शर्मिली लगती थी। इन द फोर्ज, फोर्ज में, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर, बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था, इन द इवनिंग, शाम को। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, और उसका जो अप्रेंटिस, सहायक, नौ सिखवा, स्टिल सेट, अभी भी बैठे हुए थे, ऑन देयर बेंच, अपने बेंच पे, एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड, आयरन और चारकोल अभी भी चमक रहा था, लाल था, इन द फर्नेस, फर्नेस में। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फैला लिया था, यानी लेट गया था, आउट ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन, और उसने रख लिया था एक टुकड़ा पिग आयरन का, अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे, एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसका हेड है जो उसने अपनी आंखों पर रख लिया था खींचकर। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे यंग गर्ल ने उसे देखा, सी वेंट अप, वह गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसका हेड उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू, वह आदमी यूज टू था, यूज टू मीन्स यहाँ पे आदि, हैबिचुएटेड, स्लीपिंग, सोने का, विद वन आई ओपन, एक आंख खोल के सोता था। ही जंप्ड अप, वह उछला अबरप्टली, अचानक, एंड सीम्ड, और लगा, टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और बड़ा भयभीत लगा। माई नेम इज एडला विलियमसन, मेरा नाम एडला विलियमसन है, सेड द यंग गर्ल, यंग गर्ल ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सेड, उन्होंने कहा, दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर, कि तुम यहाँ सोना चाहते हो, इन द फोर्ज, फोर्ज में, टू नाइट, आज रात। एंड देन आई आस्क परमिशन, फिर मैंने उनसे परमिशन ली, टू कम, आने की, एंड ब्रिंग यू, और तुम्हें लाने की, होम, घर पर, टू अस, हमारे पास। आई एम सो सॉरी, मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम्हारा बड़ा हार्ड टाइम चल रहा है। सी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, कंपैशनेटली, सहानुभूतिपूर्ण, विद हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखों से। एंड देन, और तब, सी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट द मैन वॉज अफ्रेड, कि ये आदमी भयभीत था। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या जेल से बच के भागा है। सी थॉट, उसने सोचा, एंड एडिड, और बोली क्विकली, तेजी से, यू मे बी श्योर कैप्टन, कैप्टन तुम निश्चिंत रह सकते हो, दैट यू विल बी अलाउड, तुम्हें अनुमति दी जाएगी, टू लीव, जाने की, अस, हमारे पास से, जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, जैसे तुम आए थे। ओनली प्लीज स्टे विद अस, केवल हमारे साथ रुको, ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस की ईव को। सी सैड, उसने कहा, दिस, यह, इन सच ए फ्रेंडली मैनर, मित्रवत अंदाज में, मित्रवत ढंग से, दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस, तभी उसने भरोसा महसूस किया इन हर, उसमें, इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड, ये कभी नहीं हुआ था टू मी, दैट यू वुड बोदर, तुम परेशान होगे विद मी, मेरे साथ, योर सेल्फ, मिस, ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं चलूँगा तुरंत।
ही एक्सेप्टेड द फरकोट, उसने फरकोट को स्वीकार किया। विच द वैलेट हैंडेड हिम, जो नौकर ने उसे दिया। विद हिज डीप बो, एक झुक कर नमस्कार सा करते हुए। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, अपने कपड़ों पर रखा। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, उसके यंग लेडीज के साथ चला उसके कैरिज में। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, और उसने कोशिश भी नहीं की उसकी तरफ झाके ब्लैक स्मिथ की तरफ। बट वाइल ही वॉज राइडिंग, अब जब वह सवारी चढ़ रहा था ऊपर को, टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस में, ही हैड ईविल फॉरबिडिंग्स, उसे अपशगुन से फील हुए। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, अब वह सोच रहा मैंने उसका पैसा क्यों लिया, जो करोप्टर का पैसा चोर के लाया था। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, मैं भी जाल में बैठ रहा हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम, जब आयरन मास्टर आया इन टू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में, फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए। ही प्रोबेबली थॉट, उसने शायद सोचा था, विद सेटिस्फैक्शन, बड़े संतोष के साथ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में। हुम, जिसे ही हैड रन अक्रॉस, जिससे वह मिला था, सो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल प्लेस ऑन हिज बोन्स, पहले हम देखेंगे ये थोड़ा सा खा पी के हट्टा कट्टा हो जाए, मतलब थोड़ा फ्लैश धारण कर ले। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, हु वाज बिजी, जो बिजी थी एट द टेबल, टेबल पर। एंड देन वी मस्ट सी, फिर हम देखेंगे, दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, इसे कुछ काम करने को मिल जाए। देन टू रन राउंड, इधर उधर जाने की बजाय, भागने की बजाय, द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, रेड ट्रैप्स बेचते हुए। इट इज क्वियर, ये विचित्र है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, चीजें इसके विपरीत चलेगी, एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर, डॉटर ने कहा। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा, देर वॉज एनी थिंग, कि कुछ था अबाउट हिम, उसके बारे में, अबाउट हिम टू शो, दिखाने के लिए, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी था। यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हारे अंदर धैर्य होना चाहिए, माई लिटिल गर्ल, मेरी बेटी, सेड द फादर, पिता ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही वो साफ सुथरा हो जाएगा, एंड ड्रेस डबल अच्छी ड्रेस पहन लेगा, यू विल सी, तुम देखोगी, समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग। लास्ट नाइट, पिछली रात, ही वॉज नेचुरली एम्बेस्ड, थोड़ा सा लज्जित था। द ट्रम्प मैनर्स, जो भिखारियों का अंदाज था, विल फॉल अवे, समाप्त हो जाएगा, फ्रॉम हिम, उससे, विद द ट्रम्प क्लोथ, जैसे ही वो ट्रम्प के कपड़े चेंज करेगा, छोड़ देगा, वह अंदाज भी समाप्त हो जाएगा। जस्ट एज ही सेड, जैसे उसने ये कहा, दिस द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, वह अजनबी अंदर आया। यस, हाँ, नव ही वॉज ट्रूली क्लीन, वह साफ सुथरा था, एंड वेल ड्रेस्ड था। द वैलेट, जो नौकर था, हेड बाथ डिम, उसने उसे नहलाया था, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे, एंड सेव डिम, और उसकी सेविंग की थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग शूट, अच्छा सा शूट पहन रहा था, ऑफ क्लोथ विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, यानी आयरन मास्टर का शूट पहन रहा था। ही वोर, वह पहने हुए था, ए वाइट शर्ट, वाइट शर्ट एंड ए स्टार्च्ड कॉलर, और एक स्टार्च कॉलर पहन रहा था, एंड होल शूज, और जूते पहन रहा था। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, जो मेहमान था अच्छा था, ग्रूम कर रखा था, बना ठाना दिया था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लेज, लेकिन अब आयरन मास्टर प्रसन्न दिखाई नहीं दिया। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, विद पक्कर्ड ब्रो, गुस्से से के अंदाज में। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना आसान था, दैट व्हेन ही हैड सीन, जब उसने देखा था द स्ट्रेंज फेलो, इस अजनबी को, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, अनिश्चित जो प्रतिक्रिया थी उसकी, फ्रॉम द फर्नेस, उस परछाई में देख लिया था अंधेरे से में। He might have made a mistake, उसने गलती कर दी थी, but that now, लेकिन अब, when he stood there, जब वह वहाँ खड़ा था, in broad, विस्तृत daylight में, it was impossible, ये असंभव था, to mistake him, कि वो गलत करे, समझे, for an old acquaintance, के ये एक परिचित था। What does this mean, इसका क्या मतलब, he thundered, वह गरजा। The stranger made no attempt, अजनबी ने कोई प्रयत्न नहीं किया, to dissimulate, छुपाने का।
ही शाह, उसने देखा एट वंस तुरंत दैट द स्प्लेंडर जो शान है हैड कम टू एन एंड उसका अंत हो गया था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, मेरी गलती नहीं है सर, ही सैड, उसने कहा। आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने कभी बहाना नहीं बनाया टू बी एनीथिंग, कुछ होने का, बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने तो कहा था मैं एक व्यापारी था। एंड आई प्लीडेड, मैंने प्रार्थना की थी, एंड बैग्ड, और आपसे निवेदन किया था भिक्षा सी मांगते हुए, टू बी अलाउड, मुझे अनुमति दी जाए टू स्टे ठहरने की इन द फोर्ज फोर्स में, बट नो हार्म हैज बीन डन, कोई हानि नहीं हुई है, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स, मैं अपने वही चितड़े वाले कपड़े अगेन दोबारा पहन लूँगा, एंड गो अवे, और मैं चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा एजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए, लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये ईमानदारी भरा भी नहीं था इधर, यू मस्ट एडमिट, तुम स्वीकार करोगे दैट, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मैं चकित नहीं हूँगा, इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि इस मामले में शरीफ कुछ कहे, ए काइंड ऑफ कोतवाल, जैसे पुलिस वाला टाइप। द ट्रम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, ट्रम्प ने एक कदम आगे बढ़ाया, एंड स्ट्रक, और मारा द टेबल, टेबल पे, विद हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ थिंग्स आर, कैसी चीज़ें हैं, सैड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया, इज नथिंग, कुछ नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप है, ऑल द गुड थिंग्स, सारी अच्छी चीज़ें, दैट आर ऑफर्ड, जो ऑफर की जाती है टू यू, तुम्हें, आर नथिंग, कुछ नहीं है, बट चीज़, राइंड्स, पनीर के राइंड्स, छिलके, एंड बिट्स, और टुकड़े ऑफ पोर्क, पोर्क के, मांस के, सेट आउट, जो रखे जाते हैं टू ड्रैग, घसीटने के लिए, पुअर फैलो, एक गरीब इंसान को या गरीब व्यक्ति को, इन टू ट्रबल, ट्रबल में, समस्या में। एंड इफ द शेरिफ कम्स, यदि कोतवाल आएगा, नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे जेल में बंद कर देगा इसके लिए, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, याद रखना, दैट ए डे में कम, एक दिन आ सकता है, व्हेन यू योर सेल्फ में वांट टू गेट, जब तुम चाहोगे प्राप्त करना, ए बिग पीस ऑफ पोर्क, मांस का एक बड़ा टुकड़ा, एंड देन यू विल गेट कॉट, और तुम फंस जाओगे इन द ट्रैप, जाल में। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर ने हंसना शुरू किया, दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, इतना तो बुरा नहीं कहा, माई गुड फेलो, पर एप्स वी शुड लेट द शरीफ अलोन, चलो छोड़ो इसको तो, ऑन द क्रिसमस ईव, क्रिसमस की चाओ, बट नाउ अब गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चले जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, इतनी जल्दी से चले आओ जितना तुम जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर सेड, लड़की ने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही ओट टू स्टे विद अस टूडे, इसे हमारे साथ रुकना चाहिए आज, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती हूँ हिम टू गो, किए जाए, एंड विद डैट, उसके साथ, सी वेंट एंड क्लोज द डोर, वह गई और दरवाजा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, दुनिया में तुम क्या कर रही हो, सेड द फादर, पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर, लड़की वहीं खड़ी हो गई, क्वाइट एम्बैरस्ड, थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई, एंड हार्डली, मुश्किल से, न्यू जाना वट टू आंसर, कि क्या उत्तर दे। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, सी हैड फेल्ट, उसने महसूस किया था, सो हैप्पी, इतना हैप्पी, वैन सी थॉट, जब उसने सोचा, हाउ होम लाइक, घर जैसा, एंड क्रिसमस ही क्रिसमस जैसा, सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, वह चीज़ें बनाने जा रही थी, फॉर द पुअर हंगरी रैच, इस भुखड़ के लिए, रैच माने दुरात्मा, एक बुरा इंसान, भिखारी, गुमक्कड़। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, वह इस विचार से दूर नहीं जा पाई, ऑल एट वंस, बिल्कुल, एंड दैट वॉज वाई, इसीलिए, सी हैड इंटरसीडेड, उसने मध्यस्थता की थी, फॉर द वैगाबॉन्ड, इस वैगाबॉन्ड के लिए, इस आवारा इंसान के लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, मैं सोच रही हूँ इस अजनबी के बारे में यहाँ, लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स, वह चलता रहता है द होल ईयर, सारा साल, लॉन्ग ईयर लॉन्ग, एंड देयर इज प्रोबेबली, शायद ऐसा कोई भी जगह नहीं है, नॉट ए सिंगल प्लेस, एक स्थान, इन द होल कंट्री, पूरे देश में, वेयर इज वेलकम, जाए इसका स्वागत हो, एंड कैन फील एट होम, घर जैसा महसूस कर सके। वेयर एवर रिटर्न्स, जहीं भी जाता है, ही इज चेस्ड, से भगा दिया जाता है, ऑलवेज ही इज अफ्रेड, वह भयभीत रहता है, बींग अरेस्टेड, की कोई गिरफ्तार ना कर ले, एंड क्रॉस एग्जामिन, और इससे जांच पूछताछ ना करे। आई शुड लाइक टू हैव हिम, मैं चाहूँगी कि ये आदमी अब एन्जॉय करे ए डे, एक दिन ऑफ पीस, शांति से, विद अस, हमारे साथ, ईयर, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में एक बार। द आयरन मास्टर मम्बल्ड, आयरन मास्टर बड़बड़ाया, समथिंग इन हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी में। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह अपनी बेटी का विरोध नहीं कर पाया। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, यह एक प्रकार से गलती थी। सी कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, बट एनी वे आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती, वी ओट टू चेस अवे,
हमें इसे भगाना चाहिए। ए ह्यूमन बींग होम वी हैव आस्क्ड, जिससे हमने कहा टू कम, आने के लिए हियर, एंड टू होम वी हैव प्रोमिस्ड, जिससे हमने वादा किया, क्रिसमस चीयर, क्रिसमस की चीयर का। यू डू प्रीच, तुम उपदेश देती हो, वोर्स बुरा, देन ए पार्सन एक पादरी से, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, आई ओनली होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, तुम्हें पछताना नहीं होगा। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाई द हैंड, वो उसको हाथ पकड़ के ले गई, एंड लेड, और उसे ले गई, हिम अप टू द टेबल, टेबल पर, नाउ सिट डाउन, अप बैठ जाओ, एंड ईट और खाओ, सी सैड, उसने कहा, फॉर चूंकि सी कुड सी, वह देख सकती थी, दैट हर फादर हैड गिवन इन, उसके पिता ने सहमति दे दी थी, गिवन इन माने सहमति देना। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, उसने एक भी वर्ड नहीं बोला, ही ओनली सेट डाउन, वह बैठा, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और भोजन खाया, टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पर, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, उसने यंग गर्ल को देखा, हु हैड इंटरेस्टेड, जिसने मध्यस्थता की थी फॉर हिम, उसके लिए, वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया, व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया भी, क्या विचार हो सकता है, आफ्टर दैट, उसके बाद, क्रिसमस ईव एट रामस, जो पास्ट वह बीत गई शाम, जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जैसी पहले बीतती थी, द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल, उसने कोई समस्या उत्पन्न नहीं की, बिकॉज ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट स्लीप सोया, द होल ऑफ फॉरनून, पूरी दोपहर, ही ले वेल लेटा ऑन द सोफा, सोफा पे, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, गेस्ट रूम्स में, एंड स्लेप्ट, और सोया, एट वन स्ट्रेच, लगातार सोया फैल के, एट नून, दोपहर को, दे वॉक हिम अप, से उन्होंने उसे जगाया, सो दैट, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर, वह अपना हिस्सा ले सके, ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, गुड क्रिसमस के भोजन का, फेयर का, बट आफ्टर दैट, उसके बाद, ही स्लेप्ट अगेन, फिर सो गया, इट सीम्ड, ये लगाया, एज दो मानो, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत साल से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, कि वह सोया नहीं था, एज क्वाइटली, इतना शांतिपूर्वक, एंड सेफली, सुरक्षित रूप से, एज हियर एट रामस जो, जैसे यहाँ रामस जो में। इन द इवनिंग, शाम को, वैन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री जलाया गया, दे वो किम अप, उन्होंने उसे उठाया अगेन दोबारा, एंड ही स्टूड फॉर ए फाइल, वो खड़ा हुआ कुछ देर के लिए, इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग, पलक झपकते हुए, एज दो मानो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कैंडल लाइट उसे चोट पहुंचा रही थी, बट आफ्टर दैट, उसके बाद, ही डिसअपीयर्ड, वह गायब हो गया, अगेन टू आवर्स लेटर, दो घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड, उसे उठाया गया वंस मोर, एक बार फिर, ही देन हैड टू गो, उसे जाना पड़ा डाउन नीचे, इन टू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में, एंड ईट द क्रिसमस फिश, क्रिसमस की फिश खाई, एंड पोरिज, और दलिया खाया। एज सुन एज दे गोट अप, जो ही वे उठे फ्रॉम द टेबल, टेबल से, ही वेंट अराउंड टू ईच वन, प्रत्येक के सामने गया, प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू, धन्यवाद किया, एंड गुड नाइट किया। बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल, जब वो यंग गर्ल के पास आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, उसने बताया कि ये उसके पिता की इच्छा थी, दैट द सूट विच ही वोर, जो सूट वो पहने हुए था, वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, ये उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट थी। ही डिडंट हैव टू रिटर्न इट, उसे इसे लौटाना नहीं होगा, एंड इफ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, यदि वह चाहता है अगली क्रिसमस की शाम बिताना, इन ए प्लेस, एक स्थान पर, वेयर ही कुड रेस्ट, जहाँ आराम कर सके, इन पीस, शांति से, एंड बी श्योर, निश्चित रहे, दैट नो ईवल, कोई बुरा वुड बी फॉल हिम, उस पर पड़ेगा, ही वुड बी वेलकम्ड, उसका स्वागत किया जाएगा बैक अगेन। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर, उसने उत्तर नहीं दिया एनीथिंग टू दिस, इसका, ही ओनली स्टेड, वह घुरता रहा एट द यंगर, लड़की को, इन बाउंडलेस, अनंत अमेजमेंट, हैरानी में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप, वे उठे इन गुड सीजन, अच्छे मौसम में, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, क्रिसमस की सेवा करने के लिए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एसली, वो अभी भी सोया हुआ था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वैन एट अबाउट 10 o'clock, 10 बजे, दे ड्रॉप बैक, वे वापस आए फ्रॉम द चर्च से, द यंग गर्ल सेट, लड़की बैठी हुई थी, एंड हंग, और लटकाए हुए थी, हर हेड अपना सिर, इवन मोर डिजेक्टेडली, ज़्यादा उदासीपूर्वक देन यूजल, एट चर्च में, सी हैड लर्न्ड, उसने जाना, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रोप्टर्स, जो उनका एक क्रोप्टर था, ऑफ द आयरन वर्क्स का, हैड बीन रॉब्ड, लूटा गया था, बाय ए मैन, एक आदमी के द्वारा, हु वेंट अराउंड, जो चारों तरफ जाता था, सेलिंग रेड ट्रैप्स बेचती थी। यस दैट वॉज ए फाइन फेलो, वह एक अच्छा व्यक्ति था। यू लेट इन टू द हाउस, तुमने उसे घर में आने दिया था, सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा, आई ओनली वंडर, मुझे आश्चर्य, हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट, कि कितने सिल्वर के चम्मच बचे होंगे इन द कपबोर्ड में बाय दिस टाइम, इस समय तक।
द वैगन गाड़ी हैड हार्डली स्टॉप्ड मुश्किल से रुकी थी एट द फ्रंट स्टेप्स सामने की पैड़ियों के पास व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर किया वह अजनबी वहीं था ही हैड उसने कहा दैट ही हैड हर्ड उसने सुना एट चर्च में दैट द मैन वाज ए थीफ की वह एक चोर था द वैलेट आंसर्ड वैलेट ने उत्तर दिया दैट द फेलो हैड गॉन की वह जा चुका था एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग वह कुछ भी लेके नहीं गया विद हिम एट ऑल अपने साथ बिल्कुल ऑन द कंट्ररी इसके विरुद्ध ही हैड लेफ्ट उसने छोड़ा था बिहाइंड लिटिल पैकेज एक पैकेज छोड़ा था विच मिस विलियमसन वाज टू बी काइंड जो उसके लिए था टू एक्सेप्ट कि वो स्वीकार करेगी एज ए क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में द यंग गर्ल ओपन द पैकेज उसने पैकेज खोला विच वॉज सो बैडली डन अप जो बुरी तरह से मुड़ा तोड़ा था दैट द कंटेंट्स जो पदार्थ था केम इन टू व्यू तुरंत दिखाई दिया एट वंस सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय वो खुशी से चिल्लाई सी फाउंड उसने पाया स्मॉल रेड ट्रैप एक छोटा सा पिंजरा एंड इन इट इज के अंदर ले रखे हुए थे 3 wrinkled 10 kroner नोट मुड़े तुड़े नोट्स बट दैट वॉज नॉट एट ऑल खाली वही नहीं था इन द रेड ट्रैप के अंदर ले रखा हुआ था ऑल्सो एक लेटर लिखा हुआ था लेटर लिखा हुआ इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स टेढ़े-मेढ़े कैरेक्टर्स में ऑनर्ड एंड नोबल मिस सिंस चूंकि यू हैव बीन सो नाइस टू मी तुम मेरे लिए इतनी अच्छी थी ऑल डे लॉन्ग सारा दिन भर एज इफ मानो आई वॉज ए कैप्टन जैसे मैं सच में एक कैप्टन था आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू मैं तुम्हारे लिए भी नाइस होना चाहता हूँ इन रिटर्न बदले में एज इफ मानो आई वॉज ए रियल कैप्टन जैसे मैं एक सचमुच का कैप्टन हूँ फोर चूंकि आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेस्ड मैं तुम्हें शर्मिंदा या लज्जित नहीं करना चाहता एट दिस क्रिसमस सीजन इस क्रिसमस के मौसम में बाई ए थीप एक चोर के द्वारा बट यू कैन गिव बैक द मनी तुम पैसे वापस दे सकती हो टू द ओल्ड मैन उस ओल्ड मैन को ऑन द रोड साइड जो रोड साइड में रहता हु हैज द मनी पाउच जिसके पास मनी पाउच है हैंगिंग लटकी हुई ऑन द विंडो फ्रेम पे एज ए बैट ये एक प्रकार का लालच है चारा है फॉर पुअर वेंडर्स गरीब घुमक्कड़ों के लिए द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट और ये जो पिंजरा है तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है फ्रॉम ए रेट एक चूहे की तरफ से हु वुड हैव बीन कॉट जो पकड़ा जाएगा इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप इस दुनिया के रेड ट्रैप में जाल में एक प्रकार से इफ ही हैड नॉट बीन रेज यदि वह नहीं उठा टू कैप्टन एक कैप्टन के लेवल तक बिकॉज इन दैट वे इस तरीके से ही गोट पावर उसे शक्ति मिली टू क्लियर हिमसेल्फ अपने आप को क्लियर करने की रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेल उम्मीद करता हूँ बच्चों चैप्टर आपकी समझ में आया होगा समझ में नहीं आए तो कमेंट करें और पूछ लें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू।